और सबसे पहले ये बताऊंगा, मैं राहुल भाई का फैन भी हूँ। जब भी पेटी के लाके देखा है ना, मैं खुद कंफ्यूज हूँ अंदर, तो मुझे महसूस नहीं था ये मेरा कार है क्या। और राहुल भाई की तरफ से अभी तो अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। अच्छा, आपको महावीर जी डिस्काउंट दिया कि नहीं? हाँ दिया है भाई। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि इतना खुश हूँ मैं ना, क्योंकि पहले दिन गाड़ी जब भी डिलीवरी लेने का था ना, इतना अच्छा फीलिंग आता ना भाई, मैंने तो नया गाड़ी लिया है। तो आज मुझे ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आज दूसरा नया गाड़ी शोरूम से लेके जा रहा हूँ। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो अभी मैं आ चुका हूँ ऑटो शूट में, और बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर मॉडिफिकेशन आप लोग के लिए लेके आया हूँ। खाली इंटीरियर नहीं, आउटर भी। तो ये क्रेटा गाड़ी है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो आप एक काम करो, आप पहले चेकआउट करो। एक्चुअली मैंने इसका कुछ वीडियो रात को ही शूट कर लिया था, क्योंकि इसमें इंटीरियर जो लाइटिंग लगा है आपका, तो उसको दिखाने के लिए रात ही सबसे बढ़िया टाइम रहता है। अगर दिन में दिखाता तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आता, तो आप पहले सिनेमेटिक चेकआउट करो। आई होप गाइज आपको सिनेमेटिक वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे तो गाड़ी में बहुत सारे काम हुआ है, लेकिन ऑटो शूट ने जो जो काम किया मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, जो इंटीरियर का जितना भी काम हुआ ये ऑटो शूट में ही हुआ है। फिर एंड्रॉइड सिस्टम हो गया, ऊपर में स्टार लाइट और एम्बियंस लाइट जो गाड़ी का लगा हुआ है, 4K एम्बियंस लाइट, ये आप देख सकते हो 70 मैट, वो भी मैचिंग का ही है। ये जो कलर है गाइज, ये है थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर है ये, तो और उसी से मैचिंग करता हुआ 70 मैट भी लगा हुआ है। तो ये सब काम ऑटो शूट में हुआ हुआ है, और इसके अलावा भी बाहर में जैसे आपका एलोइज हो गया, बहुत सारे और काम हुआ हुआ है, जैसे हुड रैपिंग हुआ हुआ है। बैक साइड में आप देखोगे ये ब्रेक लाइट मिडिल वाला लगा हुआ है, डिफ्यूज़र नीचे लगा हुआ है, आपका बैक बम्पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये पिलर लाइट लगा हुआ है। आगे की तरफ आप लोग ने देखा यहाँ ये DRL लगा हुआ है, दो जो ब्लू एंड रेड कलर में चलता है, और यहाँ नीचे फ्लशर लगा हुआ है। सो गाइस, आप फाइनली गाड़ी के ओनर से मिलाते हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साजन राजे, एक्चुअली मैं सिलचर से हूँ। और सबसे पहले ये बताऊंगा, मैं राहुल भाई का फैन भी हूँ। चलिए, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जो उनकी वीडियो देखकर, और मुझे अच्छा लगा। और सच कहूँ तो मुझे ये गाड़ी जो काम कर रहा है, जितना मुझे उम्मीद नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हुआ है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त काम, मतलब मैंने जितना सोचा था भैया मैं ये करवाऊंगा तो मुझे इतना तक मुझे उम्मीद अच्छा लगेगा, मतलब अभी मैं जब भी पेटी के ला के देखा है ना, मैं खुद कंफ्यूज हूँ अंदर, तो मुझे महसूस नहीं था ये मेरा कार है क्या।
और मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग जो भी आइए राहुल भाई का ये चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने खुद भी किया है, दो दो फोन भी किया है, और मेरा जितने सारे दोस्तों को भी मैंने बताया है, और राहुल भाई की तरफ से अभी तो अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। आपको महावीर जी डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? हाँ दिया है भाई, मैं पहले आके बताया कि राहुल भाई क्योंकि वीडियोस में बहुत जन बोलते हैं आप आइए डिस्काउंट मिलेगा, अब डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, तो भैया साहब नहीं है। नहीं आज मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, मैं शुरुआत से आके पहले दिन ही बोला आप नहीं थे, मैंने आके बोला भाई राहुल भैया किधर है, मैं उनसे मिलना है, और आज मैं अभी आके उनसे मिल रहा हूँ और उनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आज जो भी है मतलब राहुल भैया की वजह से गाड़ी भला है। आपका गुड नेम? मेरा नाम साजनुद्दीन है। साजन, अच्छा साजन जी मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं आया था रात को शूट किया था आपका ये मैक्सिमम जो आप लोग ने सिनेमेटिक वीडियो आप जो भी देखे ना, तो मैंने रात को शूट किया था करीबन 10:30 बजे। महावीर जी बोला था कि आप मेरे से मिलना चाहते हैं। हाँ भाई, लेकिन मैं कल ही अपलोड कर देता वीडियो, मैंने किया नहीं, तो बोला कल आएंगे, कल निकलने वाले हैं सिलसिले से। मिलने का बात कहोगे तो अभी आपसे झगड़ा भी होगा, वो भी उनसे भी होगा, क्योंकि मैं पहले दिन आके शुरुआत में बोला भाई राहुल भैया किधर है, मैं वीडियो भी उनके देखा है भाई मुझे इस बंदर से मिलना है, तो सेकेंड डे भी आया मैं बोला चलो, फिर उन्होंने बताया कि लास्ट डे जब भी डिलीवरी होगा, और अच्छा लगा आपसे मिलके, और मेरे को भी मतलब अच्छा गाड़ी तो रहते रहेगा जब तक ये गाड़ी चलाऊंगा भाई, सबसे पहले आपके याद आएगा, गाड़ी में बैठूंगा तो आपके याद आएगा। एक्चुअली कल मेरा फ्लाइट है तो मैं खाली आप ही के लिए आया, क्योंकि महावीर जी का मेरे पास सुबह भी फोन आया कि आप मिलना चाहते हैं, तो मैं बोला ठीक है वापिस आ जाएंगे, और उल्टा अच्छा ही है क्योंकि मैंने रात को जो शूट किया था तो सीट का इतना अच्छा से नहीं आ रहा था, तो अभी मैं सोचा चलो दोनों काम हो जाएगा, आपसे भी मिलना हो जाएगा, और अच्छा भी लगता है, भोजन ऐसा भाई लोग मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप किसी का भी ऐसा कार का शौक है और करवाना है तो इधर आइए, और रेट की बात तो पूछिए ही मत, ऐसे ही उनको ऊपर दे दीजिएगा, और जितना मेरे को अच्छा लगा, मतलब कस्टमर तो सबके लिए अच्छा होता है, जितना मेरे को अच्छा लगा उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा, और राहुल भैया के साथ वो करके आओ, क्योंकि राहुल भैया के माध्यम से आज खुश हूँ बहुत यार, सच में मेरे को आपका पूरा गाड़ी में और एक अच्छा लग रहा है एलॉय व्हील, तो ये शायद ये बहुत ज्यादा 20 इंच है क्या ये? हाँ 20 इंच का है। और ये आपने क्या सिलचर में लगाया था? नहीं सिलचर में, वारे वो सब कहाँ मिलता है, वो सब तो नाम ही है, मतलब मैं शिलोंग से लगवाया था ये। ओके अच्छा, बाकी जो भी काम हुआ है आपका, जैसे एलॉय व्हील से हो गया, ऊपर का रूफ भी आपने ब्लैक किया ना, ये भी किया हुआ है आपका, और ये जो आपने बाहर में जो लाइट सब लगाए हुए ये सब भी आप शिलोंग में लगवाए थे? हाँ शिलोंग में लगवाया था। तो गाइज ये जितना भी आपका इंटीरियर का जो भी काम था ना, इसलिए मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, क्योंकि बाहर में भी बहुत सारा गाड़ी में काम हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो कुछ काम शिलोंग में हुआ हुआ है लेकिन जो मेनली इंटीरियर का जितना भी काम है ऑटो शूट में हुआ हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, रिकमेंड करोगे आप? अगर मैं और क्या कुछ बोलने का नहीं है, क्योंकि मैं बस इतना ही बोलूँगा कि इतना खुश हूँ मैं ना, क्योंकि पहले दिन गाड़ी जब भी डिलीवरी लेने का था इतना अच्छा फीलिंग आता ना भाई, मैंने तो नया गाड़ी लिया है, तो आज मुझे ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आज दूसरा नया गाड़ी शोरूम से लेके जा रहा हूँ, तो इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है, और सबसे अच्छा ये हो कि वो तो काम तो करवाया, गाड़ी तो मेरे पास रहेगा, लेकिन आज यहाँ तक पहुँचा और खुश हो तो वजह आपको। चलिए थैंक यू, क्योंकि उस दिन अगर मुझे ये वीडियो नहीं मिलता तो मुझे शायद इधर का पता नहीं होता था। एड्रेस में आपको तो कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं 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 बिल्कुल, उनको मैंने बोला लोकेशन पहुँचा दो, लोकेशन उन्होंने दे दिया। अच्छा, और मैंने आके भी उधर थोड़ा गलत पहुँच गया, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे ये बंदा चाहिए, इनका फेस मिले, मैं बोला नहीं उनसे मिलना है मुझे, ऐसे हुआ था। हाँ उधर दूसरा लोग आया था, लेकिन मैंने बोला नहीं उसी से बात नहीं करना, मुझे इस बंदा से बात करना है। लेकिन लेकिन मैं ये कलर देखे ना, मैंने ये जो कलर देखा है जो इंटीरियर का जो भी काम हुआ ना, ये कलर तो ऑरेंज हो गया ना ये? हाँ, तो कल ये देख के मेरे को पहला रिएक्शन मेरे को क्या लगा मालूम है, ये कलर को देख के अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। अच्छा पिक्चर का नाम नहीं लूंगा तो आप जरूर से कमेंट में बताइएगा। नहीं क्योंकि वो मेरा कलर, वो मेरा चॉइस ही है। नहीं नहीं और... नहीं नहीं वो चीज के लिए नहीं, कलर तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, एक नंबर है। मैंने ऑटो शूट में मैक्सिमम इतना वीडियो बनाया और जनरली वही ब्लैक एंड टेन कलर, ब्लैक और टेन कलर ही ज्यादा कस्टमर प्रिफेर करता है, लेकिन ये कलर आपका गाड़ी में बहुत ज्यादा सूट हो रहा है और अच्छा भी लगता है, और मैं जब भी आता हूँ यहाँ वीडियो बनाने के लिए तो देखता हूँ वही ब्लैक एंड टेन, ब्लैक एंड टेन, ब्लैक एंड टेन। अच्छा जितना भी कस्टमर आता है वीडियो देख के ही आता, बोलता हम लोग को ब्लैक एंड टेन ही अच्छा लगता है, उसके अलावा कोई भी कलर लोग पसंद नहीं करता, लेकिन आपका गाड़ी में एक तो बहुत बढ़िया और फिनिशिंग, खासकर डैशबोर्ड का
मतलब बोल भी नहीं सकेगा क्योंकि आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, क्योंकि इतना बढ़िया फिनिशिंग। मैं तो इतना ही कहूँगा क्योंकि मेरे पास तो और बोलने का कोई शब्द नहीं है, बस एक ही बात आएंगे, जितना मैंने सोचा नहीं था, जितना मैंने सोचा था कि भाई इससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है। मतलब अभी कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि बोलने में और करवाने में दो फर्क होता है। अगर आपको आप लोग किसी का भी इतना शौक है ना घर का मड्डी भाई वगैरह, आप सीधा इधर पहुँच जाओ और इधर गाड़ी ऐसे छोड़ के चला जाओ, ठीक बात है, और अच्छा लगेगा। मतलब मुझे अगर इतना अच्छा लगा है तो मैं इतना दूर से आया, मतलब अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि राहुल भाई जो वीडियो देखा और इतना दूर से इतना तबलीग करके नहीं, और एक्चुअली हम लोग जितने भी ब्लॉग बनाते हैं, जितना भी कंटेंट बनाते हैं, कोई भी खाली ऑटो शूट का नहीं, किसी का भी, तो उसमें हम लोग जो जेन्युइन है वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं वीडियो बनाना है तो भाई ठीक है, बहुत कस्टमर का कुछ कुछ दुकान से ऐसा भी रिएक्शन आया कि उनको सेटिस्फाइड नहीं हुआ काम, तो नहीं मैं तो अपने बात इतना कहूंगा भाई, नहीं मैं अपने बात कहूंगा भाई, मैं तो इतना कहूंगा जितना मैंने सोचा उससे कई गुना ज्यादा हुआ। और अगर आप लोग किसी का होना है ना, तो मतलब अगर राहुल भाई तो वीडियो बनाते रहते हैं, उनका चैनल में आप लोग मिल जाओ और फिर उनसे भी चाहे तो कमेंट में भी बात कर लो, उन्होंने आपको बता देंगे, और बाकी तो इधर आओ। लेकिन 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 ऑटो शूट में जितने भी कस्टमर ने काम कराया कभी भी कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ये चीज़ इनका अच्छा है, जो भी काम किया बढ़िया किया अच्छा, इनका रेट भी एज कम्पेयर टू जेन्युइन रहता है। और मेन बात होता है आदमी लोग जब पैसा देता है तो उन लोगों को चाहिए फिनिशिंग, तो जैसे आपका गाड़ी में आज जो फिनिशिंग हुआ है तो आपको भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत जन, देखिए आज एक आदमी एक गाड़ी पर 50-60 हज़ार रुपये खर्चा करता है तो ये छोटा मोटा रकम तो है नहीं, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी जो कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं होता कि भाई कुछ ना कुछ वो निकाल ही देता कि भाई ये थोड़ा सा अच्छा हो जाना चाहिए था, ये थोड़ा अच्छा हो जाना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अगर मान लो 1-1.5 लाख खर्चा करोगी, जितना मतलब अभी मान लो मैंने 17-18 लाख से गाड़ी लिया हो तो वो तो गाड़ी लिया हो, अभी 1-1.5 लाख में ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा ये तो मतलब अगर 50 लाख का मेरा यही फीलिंग आ रहा है, और मेरे ऐसा गरीब का तो अभी मर्सिडीज यही लग रहा है भाई, मतलब मेरा मर्सिडीज बन गया है भाई, आपने आपकी वजह से सच में मुझे मेरा तो मर्सिडीज यही बन गया है, स्पोर्ट कार मेरा तो जबरदस्त लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है, ठीक है ओके। और बिल्कुल अच्छा लगा आपसे, और बाकी तो मेरे को आपसे ज्यादा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, जब भी आएगा तो मिलना पड़ेगा भाई जल्दी से। नहीं मैं पहले दिन लाके पहले राहुल भैया बोला, फिर बोला बोला ये बंदा मिला, वो फेस फिर पूरा कंफ्यूजन हो गया फेस के साथ, वीडियो ऑन किया और उनका फेस में बोला ये अच्छा वहां पहुंच के बोलते हैं कि ये आदमी चाहिए फिर उन्होंने ऐसे सोचा कि चलो इनसे हम करवा लेंगे, अच्छा तो इन्होंने सोचा कि हम करवा लेंगे, फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक बार आइए, तो भैया आए और फिर मेरे को देखते ही बोले कि ये यही फेस चाहिए था जिससे हमको बात करना है। सो गाइस आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी इसी टाइप का कोई भी गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराना है या एसेसरीज या कुछ भी लगवाना है, कहूंगा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप शायद नहीं करोगे लेकिन आपका एक सब्सक्राइब के माध्यम से कोई इससे आपका किसी दोस्त को मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। मैंने भी पहले तो उनको नहीं, मेरा दोस्त का चैनल है, उनका एड है तो उनके उसका चैनल जाके मैंने आपको मिला है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है भाई, क्या होता है एक दवा दो उसमें क्या जाता है। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय। और हाँ डिस्क्रिप्शन में फोटोशूट का नंबर रहता है, आप कॉन्टैक्ट कर लेना, कुछ भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग एनी थिंग आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो महावीर जी से, ये रहे सामने महावीर जी अगेन, ठीक है आप कॉन्टैक्ट कर लेना।